नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे स्टडी चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू के सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट कि जिन कोर्सेज का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं शो कर रहा था उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अब शो करना शुरू हो चुका है। कितने का अभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन शो कर रहा है, कितने का नहीं शो कर रहा है, इस पर मैं डिटेल करूँगा। आपका अगर आ चुका है सब्जेक्ट कम्बिनेशन तो आपको क्या करना होगा, आपका अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत शो कर रहा है तो क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले, जो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बीएचयू से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए। यानी बीएचयू स्टडी कैपिटल हर एक कंडीशन में बीएचयू के द्वारा जो भी अपडेट आती है वो आप तक समय पर और सही अपडेट पहुंचाता है, इसलिए चैनल के साथ रेगुलर बने रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये अपडेट सभी तक पहुँच सके। तो आइए मैं बात करता हूँ डिटेल में कि आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो शो करना शुरू हो चुका है। यानी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बी ए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अभी तक नहीं शो कर रहा था वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन शो करना शुरू हो चुका है। तो जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन आ गया है और सही सही आ गया है, उनके लिए क्या निर्देश है कि आप अपना जो प्रोसेस है उसे प्रोसीड कीजिए, सबमिट करते हुए आगे बढ़िए। यानी जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन आना शुरू हो चुका है उनका सही सब्जेक्ट कम्बिनेशन शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप चेक करेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट अलॉट हुआ है अगर वो शो कर रहा है तो आप अपना सबमिट करके प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाइए, अपना प्रोसीड कीजिए। अब अगला प्रश्न यहाँ उठता है कि जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन अभी तक नहीं शो कर रहा है वो क्या करें और जिनका गलत शो कर रहा है वो क्या करें। यानी जिनका सही शो कर रहा है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन शो करना शुरू कर दिया है, वो तो सबमिट करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जिनका नहीं शो कर रहा है उनके लिए तो एकमात्र सलाह यही है कि अभी आप इंतजार कीजिए, उसके आगे मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। और उसके बाद जिनका गलत शो कर रहा है उनके लिए भी मेरे तरफ से अभी यही सलाह है कि आपका जो लास्ट डेट है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, अभी आप भी इंतजार कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत शो कर रहा है तो अभी सबमिट करके प्रोसेस को आगे मत बढ़ाइए। कहीं से आपको कहा जा रहा होगा, आपके फैकल्टी मेंबर्स भी बोल रहे होंगे कि प्रोसीड करके आगे बढ़ाइए, फिर ईमेल करके उसे सही करा लीजिएगा। लेकिन अभी मेरी सलाह ये है कि अभी परेशान ना हो, अगर आपका गलत सब्जेक्ट कम्बिनेशन शो कर रहा है तो उसे प्रोसीड मत कीजिए, उसका अभी इंतजार कीजिए, हो सकता है आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो सही शो करना शुरू हो जाए। अभी लास्ट डेट को लेकर के मत घबराइए कि लास्ट डेट है मैं सबमिट कर दूं जल्दी जल्दी। जिनका गलत शो कर रहा है और जिनका नहीं शो कर रहा है इंतजार कीजिए, आगे का प्रोसेस मत कीजिए। अगर आपका यही प्रॉब्लम बना रहा, ऐसी समस्या बनी रही, तो बीएचयू में सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऐसा नहीं परेशान होना है आपको कि लास्ट डेट निकल गई तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अगर बहुत लोगों की प्रॉब्लम ऐसे बनी रहेगी तो आपका लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा, लास्ट डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो बीएचयू स्टडी कैपिटल की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी लास्ट डेट बढ़वा दूं। यानी इन सारी चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल हमेशा छात्रहितों के लिए, छात्र मुद्दों के लिए हमेशा खड़ा रहता है और सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। यानी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जितनी क्वेरी आती है, मैसेज आता है, एसएमएस आता है कमेंट बॉक्स में कि किनका आ चुका है किनका नहीं आया, आप सभी भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिनका सही आया वो भी लिख दें, जिनका नहीं आया वो भी लिख दें, जिनका गलत आया वो भी लिख दें। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा आता है, उस डाटा को हम लोग बीएचयू प्रशासन के सामने जहाँ भी जो अधिकारी होते हैं उनके पास मैं दिखाता हूँ कि सर देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है और इस डेट को आप बढ़ाइए। तो इसको लेकर के परेशान ना हो, आपकी लास्ट डेट को बढ़वाने का पूरा प्रयास किया जाएगा अगर समस्या बनी रही। लेकिन जिनका गलत शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है तो अभी इंतजार करो, आगे मत बढ़ो प्रोसेस को लेकर के। हाँ, जिनका सही शो कर रहा है वो अपना प्रोसेस लेकर के आगे बढ़ें। यानी आपको मैंने क्लियर कर दिया, जिनका सही शो कर रहा है वो अपना प्रोसेस आगे सबमिट करें, जिनका गलत शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है वो अभी कोई भी प्रोसेस अपना आगे मत बढ़ाइए। ये मेरी तरफ से सलाह है और यही उचित सलाह है आप सभी के लिए जो आप सभी को बीएचयू स्टडी कैपिटल के द्वारा दी जा रही है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो सुनने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि अभी मैं फिलहाल बनारस में हूँ, नहीं बाहर सिटी में हूँ, उसके वजह से थोड़ी सी आपको समस्या आ रही होगी, अपडेट में भी आपको समस्याएं आ रही होंगी। तो इसको लेकर के परेशान ना हो, बीएचयू स्टडी कैपिटल अपना 100% देता है आपको हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपको बीएचयू की प्रिपरेशन कराने की बात की जाए या फिर अपडेट की बात की जाए, छात्रहितों के साथ खड़े रहने की बात की जाए, बीएचयू स्टडी कैपिटल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आगे बढ़ा दीजिए ताकि ये अपडेट सभी तक पहुँच जाए। बहुत बहुत